जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि आपकी 20 जनवरी 2001 को फाइनल मेरिट आ रही है, तो इसका मतलब ये फिक्स नहीं है कि 20 जनवरी 2001 को आए, दो तीन दिन पहले या एक दो दिन बाद में भी आ सकते हैं। ये मतलब अनुमानित डेट है कि इसके आसपास आपका फाइनल मेरिट आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए इस डेट के आसपास। तो दोस्तों, अब ये सवाल ये बन जाता है कि जैसे आपकी फाइनल मेरिट आएगी उसके कितने दिन बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और कितने दिन बाद की आपकी ज्वाइनिंग की डेट आएगी या आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। तो दोस्तों, साथ ही बता दूं, मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है फौजी मैथ अकेडमी, उस पर मैंने वीडियो डालना शुरू कर दिए और कल से मैंने उसमें पहला वीडियो डाला है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो, वो मेरे चैनल के साथ अटैच भी है। जो भी पढ़ने के इच्छुक है मैथ तो रीजनिंग, तो ज़रूर जाके देखें। अब बात करते हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो कब की आने वाली है। दोस्तों, तो मैं बता दूं, जैसे ही आपकी फाइनल मेरिट आएगी, अगर मान लो 20 या 22 या 25 किसी भी तारीख को आती है, मैं सभी डिपार्टमेंट का बोल रहा हूँ, केवल CRPF या BSF या ITBP नहीं, जितने भी अभी इस मेरिट में SSC GD में जितने भी डिपार्टमेंट है, इन सभी का जो हुआ था, जो हमारे टाइम में जिस प्रकार से आई थी वो सेम शेड्यूल से आपकी आएगी। तो कितने दिन बाद आएगी ये सभी डिपार्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ, स्पेशली किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, सभी के लिए बोल रहा हूँ। सभी की मेरिट के इतने दिन बाद ही ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो जाएंगे। तो वो दोस्तों आप मान के चलिए, अगर आपका 20 तारीख को फिक्स एक अनुमानित हम डेट पे काम करते हैं, तो अगर 20 तारीख को आपका फाइनल मेरिट आता है, एक बात और बता दूँ कईयों को पता नहीं है, तो फाइनल मेरिट जब आएगी आपकी उसी में आपका डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा आपको डिपार्टमेंट मिला है और मतलब किस डिपार्टमेंट में, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा, फिर उसी डिपार्टमेंट का आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग लेटर हर एक डिपार्टमेंट का थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, दो दो चार चार दिन का, लेकिन ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता है, लगभग लगभग। हाँ, किसी डिपार्टमेंट की थोड़ी सी पहले ज्वाइनिंग हो सकती है, किसी की थोड़ी सी बात, वो उनके ग्रुप सेंटर में कैसी व्यवस्थाएं उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो आपको बता दूं कि जैसे आपकी फाइनल मेरिट आएगी, यानी 20 तारीख को अगर आएगी, तो मान के चलिए उसके अगले एक महीने के अंदर अंदर आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम लगेगा तो 20 या 22 दिन का टाइम लगेगा, तब तक आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आने लग जाएंगे। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि इस बार ऑफलाइन आए, ऑनलाइन भी आ सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं आए ऑफलाइन आए, तो ये मान के चलिए 20 या 22 दिन के टाइम के दौरान आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होंगे। उसके बाद में जब हमको टाइम मिला था, तो हमको टाइम मिला था 25 दिन का, यानी जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आया था उसके 25वें दिन मेरी ज्वाइनिंग थी। उसी दौरान जो जो मेरे को डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने थे वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किया, जो उसके साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट आते हैं या जो पुलिस वाला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या जो तहसीलदार या SDM जो सर्टिफिकेट बनाता है, वो सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं ये भी साथ में बता दूँ। पुलिस वेरिफिकेशन का तो आपको पता ही है, पुलिस वाला सर्टिफिकेट कैसे बनता है, आप सर्वर कैफे से वो साइबर कैफे पे जाके वो फॉर्म सबमिट कराइए, वो पुलिस में जाएगा, वहाँ थाने में जाके आप बता दीजिए कि भाई मेरा इसके लिए मेरे को चाहिए, तो वो दो चार दिन पाँच दिन दस दिन का जो टाइम लगेगा उसमें आपको दे देंगे। और जो SDM तहसीलदार का होता है वो भी इसी प्रकार से होता है, वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना है कि ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ, इसके लिए आपका ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसी समय वो तो तुरंत हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता दोस्तों। इस प्रकार से वो बन जाएगा आपका। तो कईयों को नहीं पता है कैसे बनता है, एक तो सबसे पहला काम आपको करना है, जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर आते ही उसको अच्छे से पढ़ना है। इंग्लिश में आएगा ज्वाइनिंग लेटर, अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती तो इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने का एक ऐप आता है, स्कैन करो और वो हिंदी में कन्वर्ट कर देता है, उस ऐप की मदद लेना। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है इंग्लिश में पढ़ सकता है, हिंदी वाला हिंदी में, गुजराती वाला गुजराती में, वो सभी में कन्वर्ट करता है वो ऐप। यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे कि वो इस ऐप का क्या नाम है, मैं भी यूज़ करता हूँ, तो आप भी उसको यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या क्या शर्तें, क्या क्या नियम, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, तो उसके अनुसार जो सर्टिफिकेट आपको बनाने हैं तो वो सर्टिफिकेट जाके आप बना सकते हो। हमारे टाइम में से बनवाए थे, अब आपके टाइम में पता नहीं और कोई सर्टिफिकेट नया जोड़ दे या इनको हटा दे, तो अगर ऐसा आता है तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। अब दोस्तों बात रही कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, तो मान के चलिए अगर 20 तारीख को अगर आपकी फाइनल मेरिट आती है, तो अगले 20 दिन या 22 दिन यानी फरवरी 10 या 12 या 15 तक आपके ज्वाइनिंग लेटर आ सकते हैं। मतलब 15 फरवरी के आसपास अगर आपके ज्वाइनिंग लेटर रहते हैं, उससे एक महीना आगे मान के चलिए 15 मार्च के आसपास आपकी ज्वाइनिंग है शुरू हो जाएगी। 21 मार्च में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, इसी प्रकार हमारा रिजल्ट आया था, जिस प्रकार आपका आ रहा है, हमारा भी जनवरी में ही रिजल्ट आया था और 21 मार्च की हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। तो आपकी मार्च के महीने में ज्वाइनिंग होने के 101% चांस हो गए हैं कि आपकी मार्च के महीने में ज्वाइनिंग होनी होनी है। अब आपको मैं साथ ही बता दूँ कि जो लोग किसी एजुकेशन में जैसे BED कर रहे हैं, जो भी एजुकेशन है उसको बंद नहीं करना है,
कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं ज्वाइनिंग पोस्टपोन कर सकते हैं क्या, ट्रेनिंग पोस्टपोन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई इतना बड़ा कारण है तो आप वहाँ पर जाकर जरूर एप्लीकेशन देके पोस्टपोन करा सकते हो, लेकिन आपके इतना बड़ा कोई रीज़न है तो, नहीं तो ऐसा काम नहीं करना। आप ट्रेनिंग बेस के साथ ही ट्रेनिंग कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। जब भी ग्रुप सेंटरों में या आप जाओगे तो उस बेच के साथ आपका बड़ा बेच रहेगा, उसमें ट्रेनिंग करना आसान रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई को निरंतर रखे। अगर एग्ज़ाम इस साल नहीं दे पाए तो अगले साल ट्रेनिंग के बाद में दे पाओगे। ट्रेनिंग में आपको उन एग्ज़ामों के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको जो मैंने पहले भी बताया था मैक्सिमम 7 दिन की स्पेशल लीव होती है पूरी ट्रेनिंग के दौरान। 15 दिन तो मिलता ही मिलता है ट्रेनिंग के बीच में, उसके अलावा केवल 7 दिन की लीव होती है, जो पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी एक इमरजेंसी पड़ने पर वो लीव दी जा सकती है, इससे बड़ी लीव ट्रेनिंग में नहीं मिलती है। तो ये मान के चलिए कि आपकी ज्वाइनिंग डेट अब जल्दी आ गई है, ज्वाइनिंग होने वाले हो आप मार्च में, तो मार्च से आप फौजी बनने वाले हो। चाहे मेरी बहन है या भाई छोटे जो भी है, वो मार्च के महीने में आप सभी फौजी बन जाओगे। ये 101% है, क्योंकि जनवरी में हमारा रिजल्ट आया था, उसी प्रोसेस से चलेगा आपका। जैसे अगर 20 जनवरी को रिजल्ट आ जाता है तो आपकी मार्च की ज्वाइनिंग, ये मान के चलिए कि 101% आपकी मार्च की ज्वाइनिंग होनी है। ज्वाइनिंग टाइम क्या क्या सामान लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। नीचे जाके मेरे वीडियो में सभी प्रकार के वीडियो मिलेंगे, आपकी ज्वाइनिंग टाइम क्या क्या सामान साथ में लेके जाना है, क्या क्या सामान या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेने चाहिए, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों, अब कोई मेरे को बैंक अकाउंट का पूछ रहा बार बार कि सर हम बैंक अकाउंट कौन सी में खोलें, या बैंक अकाउंट SBI में, आपने SBI का चल रहा है तो प्रेजेंट टाइम में जरूर नहीं कि SBI का चल रहा है, आपके टाइम कौन सा बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। हाँ, साथ ही एक चीज़ बता दूँ कि उसमें बैंक अकाउंट का लिखा हुआ आएगा, तो आपको ज्वाइंट बैंक अकाउंट की डिमांड की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप सिंगल यानी आपका खुद का बैंक अकाउंट, पैन कार्ड नहीं बनाया तो आप पैन कार्ड बना लीजिए दोस्तों, कई भाइयों के पास में पैन कार्ड अभी तक नहीं होगा तो पैन कार्ड के लिए ज़रूर अप्लाई कर दें। पैन कार्ड बना लीजिए तो बैंक अकाउंट और पैन कार्ड, ये किस बैंक का मांग रहे हैं उसमें केवल आपका इंडिविजुअल ही चाहिएगा, तो एक बार के लिए आप अपना इंडिविजुअल उस बैंक का अकाउंट ओपन करवा लें। जिसका उस बैंक में पहले से ऑलरेडी अकाउंट है तो उनको ओपन कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ATM, चेकबुक और डायरी, ये जब आप ज्वाइनिंग लेटर पर जब जाओ ज्वाइनिंग के साथ में तो ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए दोस्तों। ये बैंक डिटेल्स हैं, तो ये मान के चलिए आप आने वाले कुछ ही दिनों में यानी जनवरी फरवरी मार्च महीने में आप सभी फौज की वर्दी में होंगे दोस्तों। और आप सबको ढेरों बधाई, जो जो मेरे भाई फौजी बनने वाले हैं उन सभी को, उनके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई जिनको बनने वाले, मैं एडवांस में दे रहा हूँ कि आप, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हैं उनमें से 90% तक लोगों के सिलेक्शन हो जाने, 5-10% कुछ दोस्त मेरे रह भी जाएंगे तो उनको घबराना नहीं है, उनकी दूसरी वैकेंसी में कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। जो मेहनत करेगा उसकी हार कभी नहीं होती, कुछ किए बिना ही जैसे कार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, आपकी मार्च की ज्वाइनिंग पक्की।